हाँ जी साइन रजिस्टर नहीं पहुंचा सबके पास अभी बाबा। हाँ जी बाबा जी मुझे बताया कि भक्ति मार्ग में बहुत ठगी चल रही है और दुनिया की भक्ति मार्ग में बहुत ठगी चल रही है और बेसुखी भक्ति मार्ग में भी बहुत ठगी चल रही है। तो शूटिंग में भी भक्ति होती है या नहीं होती है? शूटिंग में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं या बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ठगी करने वाले हैं, उनकी संख्या ज्यादा है या कम है? भक्तों की तो बहुत संख्या होती है, तो यहाँ भी शूटिंग करने वाले ठगी करने वाले ढेर के ढेर बच्चे हैं। हाँ, और उस ठगी को बंद करने वाला एक ही बाप है, बाबा ने बताया। हाँ, ये भ्रष्टाचार सिवाय बाप के और कोई बंद कर ही नहीं सकता। अन्ना हजारे बंद करेंगे क्या? है गांधी जी बंद किया क्या? बंद किया कि और ही ज्यादा बढ़ गया, और ही ज्यादा बढ़ गया। बाबा अभी एडवांस में साकार में बाबा मौजूद है, फिर भी ठगी चल रही है। एडवांस में सब धर्मों के बीज हैं या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म के बीज हैं? तो पता है कि एडवांस में भी जो और धर्मों के बीज हैं उनकी संख्या ज्यादा है या देवी देवी सनातन धर्म के जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा है? और धर्म वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ठगी से बचने का तरीका तो बाबा ने बता दिया ना, बताया कि नहीं? जो आत्माभिमानी बच्चे होंगे वो ही उस ठगी से बचकर रहेंगे, देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, ऐसी स्टेज अपनी बनानी है। और भाई भक्ति मार्ग में अष्ट चिरंजीवी क्या है? अष्ट चिरंजीवी, अष्ट चिरंजीवी, चिरंजीवी का मतलब बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले। जैसे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, एडवांस में है या नहीं है? है, है? लेकिन वो इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं वो आत्मिक स्थिति में सिर्फ दो युगों तक जीवित रहेंगी या उसके आगे भी आत्मिक स्थिति में रहेंगी? द्वापर युग शुरू होगा और इब्राहिम और उनके फॉलोअर्स उनमें प्रवेश कर जावेंगे, उनकी आत्मिक स्थिति खलास हो जावेगी। सबसे पहले कौन से धर्म वालों की आत्मिक स्थिति खलास होती है? इस्लाम धर्म वाली आत्माओं की। और सबसे बाद में आत्मिक स्थिति किसकी खलास होती है? है? देवी देवता सनातन धर्म वालों की, जो बाप के बच्चे बनते हैं। तो जवाब मिला है, जो अष्ट देव है वो तो सनातन धर्म के सबसे ऊंची स्टेज वाले हैं, उनकी स्टेज तो अंत तक सृष्टि में रहेगी, सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के थोड़े समय के लिए माया उनके ऊपर हावी हो जाएगी। वो ऐसे अष्ट हैं मूर्तियां जो जन्म जन्मांतर बाप की सहयोगी रहती है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले तो द्वापर युग से ही बाप का साथ छोड़ जाते हैं। और हाँ, ऊर्धम मूलम अधःशाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्ययम्। ये अश्वत्थ वृक्ष है मनुष्य सृष्टि का। अश्व माने आत्मा रूपी घोड़े,
इस वृक्ष में स्थित हैं। इसका नाम अश्वत्थ वृक्ष है। इस वृक्ष में आत्मा रूपी घोड़े जो स्थिर हैं, वो कितने हैं? कितनी आत्माएं हैं? जो मन रूपी आत्मा रूपी घोड़े इस षष्ठी रूपी वृक्ष पर स्थित हैं, उनकी संख्या कितनी है? है 500 करोड़। ये अव्ययम्, ये क्षीण होने वाला वृक्ष नहीं है, ये व्यय नहीं होता है, ये खर्च नहीं होता है, खलास नहीं होता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष सदैव बना ही रहता है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में कुछ बीज रूप आत्माएं हैं। जैसे वृक्ष में पत्ते खलास हो जाते हैं, फल खलास हो जाते हैं, फूल खलास हो जाते हैं, टहनियां खलास हो जाती हैं, जड़ें भी सड़ जाती हैं, लेकिन बीज सदैव अविनाशी है। तो बीज रूप आत्माएं अव्यय हैं, क्षीण होने वाली नहीं है, अव्यय वृक्ष कहा जाता है। इसकी शाखाएं नीचे को फैली हुई हैं, तो पत्ते भी नीचे होंगे कि ऊपर होंगे? नीचे होंगे। इसकी टहनियां भी नीचे को जा रही हैं, लेकिन इसकी जड़ें और बीज नीचे को हैं या ऊपर को हैं? अभी संगम युग ये है, संगम युग ऊंचे ते ऊंचा युग है। उस ऊंचे ते ऊंचे युग में ऊंची स्टेज का पार्ट बजाए रही है वो जड़ें, आधार मूर्त आत्माएं और बीज रूप आत्माएं। इसलिए बोला गया है ऊर्ध्वम मूलम, मूल माने जड़, अधः शाखा, इसकी शाखाएं अर्थात पत्ते और टहनियां नीचे को फैली हुई है। अभी जो पढ़ाई जा रही है वो आधार मूर्त जड़ों को पढ़ाई जा रही है, बीज रूप आत्माओं को पढ़ाई जा रही है या पत्तों को पढ़ाई जा रही है? पत्ते तो 500 करोड़ नहीं पढ़ रहे हैं अभी। जो जड़ें के ऊपर बैठी हुई आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो पढ़ रही हैं, और उनकी बीज रूप आत्माएं एडवांस नॉलेज में पढ़ रही है। इसलिए बोला गया है गीता में ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो हम बच्चों को समझना चाहिए हम कहां बैठे हैं, है शाखाओं में बैठे हुए हैं जो नीचे की ओर जा रही हैं, या जड़ों में बैठे हैं, या बीज रूप स्टेज में बैठे हैं? है बीज रूप स्टेज में बैठे। जड़ों के ऊपर भी, जड़ों से भी पहले कौन होता है? बीज होता है। तो हम बीज रूप आत्माएं हैं। सारी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप, बीज बाप को कहा जाता है। तो हम कौन हैं? सारी मनुष्य सृष्टि के बाप समान हैं। कितना नशा होना चाहिए, और रुद्र और शिव ये की अलग है बाबा? रुद्र और शिव, शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु को। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? उसका एक ही नाम है शिव, और उसकी आत्मा का ही नाम है। सारी मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जिसका आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है, बाकी सब आत्माओं का नाम शरीर के ऊपर पड़ता है।
तो वो आत्मा है, उसका मुकर्रर नाम शिव है। नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर होता है। काम इस सृष्टि में होता है या परमधाम में होता है? इस सृष्टि पर वो शिव आता है तो जो भी काम करता है क्या वो काम कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? हैं? कल्याणकारी होता है। देखने वाले समझते हैं अरे छी 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 ये तो बहुत बड़ा बड़ा काम, बहुत खराब काम कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या साबित होगा? है कि जो भी काम किया, कोई भी कर्म इंद्रियों से किया, वो काम का रिजल्ट कल्याणकारी ही आवेगा, अकल्याणकारी नहीं आ सकता। बहुत कल्याणकारी है और सदैव कल्याणकारी है। वो जो भी वाचा बोलेगा सुनने वाले करेंगे अरे ये तो बड़ी ग्लानी करता है, सब धर्मों की ग्लानी कर दी, लेकिन नहीं वो ग्लानी नहीं करता है, वो तो कल्याण ही कल्याण की बात बोलता है। समझने वाले उस समय भले न समझ सके, ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वाला बोलेगा कि ये तो भगवान बाप की वाणी है, ये वाणी जितनी कल्याणकारी है हमारे लिए उतना और दुनिया में कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो कर्मणा से भी कल्याण करता है, वाचा से भी कल्याण करता है और संकल्पों से भी कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए कहते हैं मनमना भव, क्या करो मेरे मन में समा जाओ। शिव के मन में कोई अकल्याणकारी संकल्प भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, वो सदैव कल्याणकारी है, कल्याणकारी ही था। यज्ञ के आदि में भी कल्याणकारी था, कल्याणकारी ही है वर्तमान में भी और भविष्य में भी कल्याणकारी ही रहेगा। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, वो अंत की बात है या आदि और मध्य की बात है? कब की बात है? है? गूंजी विनाश की वाणी कब की बात है? आदि में भी विनाश की वाणी बोली थी, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया था, विघटन हो गया था यज्ञ के आदि में। आदि में भी दो पार्टियां बन गई थी ना, तो आदि सो अंत, आदि में भी कल्याण हुआ और अंत में भी कल्याण हुआ। आदि में जो विनाश हुआ उस विनाश में कुछ बच गए और कुछ बह गए। कौन बह गए? हैं? जो ब्रह्मा की गोद में बैठे रहे वो बह गए और जो बाप के साथ चले गए वो बच गए, एडवांस में आ गए, रुद्रमाला के मणके बन गए। वो रुद्र है, शिव नहीं है। शिव में और रुद्र में क्या फर्क है? शिव सिर्फ आत्मा का नाम है और रुद्र आत्मा प्लस शरीर का नाम है। जो रौद्र रूप धारण करता है, सौम्य रूप से बच्चे सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? है? जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं राजयोग की, अभी तक रिजल्ट क्या निकल रहा है? बिगड़े हैं या सुधरे हैं? है? बिगड़े हैं। तो कौन सा रूप धारण करता है? आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली थी,
और अभी अंत में भी क्या होने वाला है, है रौद्र रूप धारण करेगा और सब उठ के खड़े हो जाएंगे पुरुषार्थ में। अभी तो अलबेलापन बहुत आता है। तो रुद्र अलग है और शिव अलग पार्ट है, दोनों पार्ट इसी दुनिया की यादगार। और बाबा है, बाबा जी बताया कि नाम के काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो बाबा जी बोला कि शिव ज्योति बिंदु है, उनका बिंदु का नाम ही शिव है। ठीक है, मेरी बिंदी का नाम ही शिव है, बाबा जी बताया तो बिंदी रूप में तो कोई काम होता ही। अरे बीज रूप स्टेज में रह करके ही तो कल्याण के काम होते हैं। क्या देह अभिमान की स्टेज में टिक करके क्रोध आता है, क्रोध बीज रूप स्टेज में आता है या देह अभिमान में आता है? है देह अभिमान में आता है। और विनाश जो होगा उसके लिए मुरली में क्या बोला है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो ये देह अभिमान की बात है या आत्मा अभिमान की बात है? देह अभिमान की बात है। तो रौद्र रूप विकराल रूप है और शिव जो नाम है वो सौम्य रूप है, सदा कल्याणकारी है। बाप प्यार का सागर है या मार का सागर है? बाप है प्यार का सागर। धर्मराज को कोई प्यार का सागर कहेगा क्या? कहेगा नहीं कहेगा। और वो साकार में आए बिगड़ जो निराकार स्टेज रहती है बिंदी रूप, साकार में आए बिगड़ जैसे शिव ज्योति बिंदु परम धाम में रहते हैं। हाँ? तो साकार में आए बिगड़ तो बिल्कुल पतित तन में आते हैं कि पावन में आते हैं? वो आते तो पतित तन में आते। तो पतित साकार होगा, साकार होगा, निराकार होगा, साकार नहीं। पुरुषार्थ करके जब अंतिम स्टेज बनती है पतित की तो निराकार बनती है कि नहीं? हाँ जी। फिर वो निराकारी स्टेज में फिर किसी देह का आधार लिया शिव बाबा ने? निराकारी स्टेज में, निराकारी स्टेज में आधार लेने की दरकार नहीं, शरीर अलग दिखाई पड़ता है और आत्मा अलग महसूस होती है। तो उस वक्त का नाम शिव है? हाँ जी, वो सदैव कल्याणकारी है। जिस वक्त परम नाम में रहते हैं उस वक्त नाम क्या होता है? वहाँ नाम और काम होता ही नहीं है। हाँ, वो नाम और काम वहाँ होता नहीं था, नाम क्या कुछ नहीं होता। वो यहाँ की बात है, तुम बच्चे परम धाम को कहाँ उतार लेंगे? इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जिस समय इस सृष्टि पर परम धाम उतरेगा उस समय प्रैक्टिकल में ये नजारा देखने को मिलेगा। क्या अभी तो समझते हैं अकल्याणकारी है, अकल्याणकारी समझते हैं तो अनिश्चय आता है और कल्याणकारी समझते हैं तो निश्चय आता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसकी सदैव निश्चय बुद्धि स्टेज रहती हो, 1% भी अनिश्चय ना आता हो? वो तो एक ही बच्चा बताया, वो बच्चा नहीं, वो तो बाप हो गया। और बाबा है, बाबा ने मुझे बताया तुम बच्चे भगवान बाप के पास आए हो, कोई गड्ढे गड़ीचे के नदियों के ऊपर नहीं आए। ये गड्ढे गड़ीचे नदियां क्या होती है? जिनमें कम ज्ञान होता है, गड्ढे गड़ीचियों में कम पानी होता है, पोखरा में कम पानी होता है कि सागर में कम पानी होता है? पोखरा में कम पानी होता है और सागर में ज्यादा पानी होता है। नदी में पोखरे से ज्यादा पानी होता है। और तो शिव बाप जिस तन में आते हैं वो शरीर रूपी घर नहीं है, वो परमधाम नहीं है, वो बाप का बड़े ते बड़ा घर नहीं है,
और बच्चों में भी प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं? करते तो हैं, लेकिन साबित नहीं कोई कर सकता कि मेरे में प्रवेश है। लेकिन वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके रहता है वो घर नहीं हुआ, वो भी घर है। तो बाबा जो बोलते हैं कि मेरे को घर में याद करो, स्वर्ग को याद करो, दो दो तीन तीन बातें याद बोलते हैं ना, कि मेरे को घर में याद करो, स्वर्ग को याद करो, तो दो बातें हो गई या एक बात हुई? सुनने में लगता है कि दो बातें हो गई, लेकिन जब गहराई से उस पर विचार करेंगे तो एक ही बात है। इसलिए कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा लोग, दो बातें नहीं कहते हैं कि स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो। जो बाप है वो हमारा घर भी है, संगम युग में वो स्वर्णिम संगम युग का घर है। उसके नजदीक जितनी बुद्धि रहेगी उतने हम खुश बने रहेंगे। अभी भी कोई बच्चे फील करते हैं कि बाबा के पास जाके बात करते हैं या फोन में बात करते हैं तो सब भूल जाते हैं, तो कहां पहुंच गए? निसंकल्पी घर में पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? परमधाम में संकल्प चलते हैं नहीं चलते? तो बाप की जो स्टेज है वो निसंकल्पी असोचता स्टेज है, उनको कोई सोच नहीं, उनको कोई मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। इसलिए वो हमारा घर भी है और परम धाम भी है। परम धाम माने घर, कोई घर बाबा की घर ही परम धाम ही है। हाँ जी बाबा, ब्रह्मांड में परमधाम दिखाते हैं ना बेसिकली, वो क्या है? ब्रह्मा का अंड, जहाँ ब्रह्मा के अंडी बच्चे रहते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? है? बच्चों की पैदाइश कहाँ से होती है? ब्रह्मा से ही होती है। अब वो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो चाहे और कोई ब्रह्मा हो, बच्चों बच्चे तो उसी के पेट से निकलते हैं। ये बुद्ध रूपी पेट है। और वो बाबा बेसिक में वो ब्रह्मांड दिखाते हैं परम धाम, बेसिक तो नाम ही उसका बेसिक है, वो एडवांस थोड़े ही है, ऊंची पढ़ाई थोड़े ही है। और ब्रह्मा के साक्षात्कार से वो चित्र बनाया ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ वो चित्र बने ऐसे बताते। ब्रह्मा को जिसको साक्षात्कार हुआ वो भक्ति मार्ग की बात हो गई उस ब्रह्मा की, कि ज्ञान मार्ग की बात हुई? भक्ति में साक्षात्कार होते हैं, जो ज्ञान होता है वहाँ साक्षात्कार की दरकार है नहीं? तो प्रजापिता ब्रह्मा को साक्षात्कार की दरकार है नहीं है, वो तो ज्ञान सागर का रूप है। और तो मतलब वो जो परमधाम दिखाते हैं वो असलित नहीं है? उस परमधाम में जो जाकर के स्टेज बनाएंगे, बिंदु बनेंगे, आत्मा बनेंगे, वो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हैं या ज्ञान मार्ग वाली आत्माएं हैं? भक्ति मार्ग वाली साबित होती है। तो फिर वो तो भक्ति मार्ग वाली सारी हो गई, तुम तो यहीं रह करके आत्मा बन जाओगे। जो यहाँ इसी सृष्टि पर रह करके आत्मा अपन को बना लें, आत्मिक स्टेज में टिक जाएं, बाप के सच्चे बच्चे बन जाएं, वो हैं असली भगवान के बच्चे, और बाकी सब हैं सिर्फ कहे जाते हैं 500-700 करोड़ आत्माएं, लेकिन बनते तो प्रैक्टिकल में बनते हैं, बनते तो नहीं। माना तो वो जो बाबा झाड़ है ना, वो देखने मात्र के लिए ना, वो परम धाम में जो झाड़ दिखाते हैं ना, और केवल देखने के लिए बनाया है ना? क्या तुम्हारी आत्मा वहाँ नहीं पहुँचेगी?
फिर तो दिखाने के लिए है कि वास्तव में है। और फिर वो जो है ना परम दान वो सारा उसमें है ना बोला सारा जब पृथ्वी है ना पृथ्वी को फिर सब परम दान है ना। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, उस स्पेस में सूरज चांद सितारे सभी है, उससे स्पेस से भी परे की जो स्टेज है वो आत्माओं का धाम है, वो परे ते परे धाम है। स्पेस फिर भी नजदीक है, वायुमंडल फिर भी नजदीक है। और फिर आत्मा तो चारों तरफ रहती है ना बाबा जैसी तरफ। फिर आत्मा चारों, जब परमात्मा ही चारों तरफ नहीं रहता है, वो ही सर्वव्यापी नहीं है, तो आत्मा कैसे चारों तरफ रहेगी बाबा? जैसे कि परम धाम तो चारों ओर है ना, फिर वही बात चारों ओर है। ऊंची स्टेज है क्या? सबसे जास्ती ऊंची से ऊंची स्टेज है सुप्रीम सोल की, फिर उसके बाद ऊंची स्टेज है प्रजापिता की, फिर उसके बाद ऊंची स्टेज है अष्टमूर्तियों की, अष्ट आत्माओं की, फिर उसके बाद नंबरवार है 100, फिर नंबरवार होते चले जाते हैं। और बाबा वो सुप्रीम ज्योतिबिंदु यहाँ ये साकार में जो दृष्टि परिवर्तन का कार्य है वो पूरा करने के बाद जब वापस आते हैं तो परम धाम में जाते हैं माना? वो अकेले जाते हैं कि बच्चों को साथ लेके जाते हैं नंबरवार को? नंबरवार बच्चे हैं ना जो साथ में जाते हैं। साथ में जाने वाले कौन कौन हैं जो बिल्कुल साथ में जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं कि परम धाम में जाते हैं? काम पूरा होने के बाद नहीं, उनका परम धाम में स्थान ही नहीं है। सूक्ष्म वतन तो 40 वर्ष के लिए रचते हैं, ये सूक्ष्म वतन वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये तो मन की मानसिक कल्पना है, मानसिक स्टेज है। तो लक्ष्मी नारायण जाते हैं साथ में। और बच्चे तो परम नाम से फिर सृष्टि में पाठ बजाने, बच्चे तो परम नाम जाकर के फिर सृष्टि में पाठ बजाने आते हैं नंबर बार आते हैं। हाँ, फिर शिव जयंती बिंदु तो बिना 5000 साल के पहले आते नहीं। हाँ, वो तो अभोक्ता है ना, इस दुनिया में आके सृष्टि के सुख भोगेगा, पांच तत्वों के सुख दुख भोगेगा, यह सुख दुख से परे अभोक्ता है, तो उसको आने की दरकार है? आने की दरकार नहीं, तो वहाँ जहाँ रहते हैं किस स्टेज में रहते हैं? फिर वही बात, उनकी जैसी स्टेज तो और किसी की हो ही नहीं सकती, वो तो तुरिया है, उसका तालमेल कोई के साथ नहीं बैठाया जा सकता। और बाबा वो बिंदी तो ऊपर से तो नहीं देखते ना सारा सृष्टि? वो देखने की बात ये आंखों की बात थोड़ी है जो देखा जाएगा। और माना बाबा जो 5000 राम है उसके अंदर कैसे शिव के अंदर? जैसे आपके अंदर संस्कार भरे हुए हैं 5000 साल के, ऐसे ही उसके अंदर एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है। पार्ट से है लेकिन ज्ञान कैसे भरा हुआ है बाबा? ऊपर उसका तो पार्ट ही नहीं है ना साकार विकार। तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो इसलिए भूल जाते हो, ये मृत्यु ऐसा एक्सीडेंट है जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो सब भूल जाते हैं। ऐसे ही हम जब जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं तो जन्म जन्मांतर की बातें सब भूलती जाती हैं, और वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, लेकिन शूटिंग में आता है कि नहीं? अरे जब शूटिंग में आता है तो उसे सब पता लग जाता है,
उसको जो पता लगता है वो पता किसी को नहीं लगता। वो केवल शूटिंग काल में आती। बिल्कुल। और बाबा है? बाबा ने मुझे बताया कि तुम बच्चों का कमाई ऊंचे थे उस कमाई उसमें भी जो सेंटर खोलने के निमित्त बनते हैं उन बच्चों में भी जो सेंटर खोलने का निमित्त बनते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहा कि जो सेंटर खोलने के निमित्त बनते हैं उन्हीं की ऊंचे थे ऊंची कमाई है उनकी और ऊंची कमाई। नहीं ऊंची कमाई है लेकिन सिर्फ सेंटर खोलना और पुरुषार्थ नहीं करना ये कोई बात हुई। पुरुषार्थ करना बड़ी बात है या सेंटर खोलना बड़ी बात है? पुरुषार्थ करके खोले होंगे नहीं नहीं ऐसे बहुत होते हैं जो सेंटर खोल लेते हैं कभी सेंटर में नहीं आते क्लास ही नहीं करते बाबा की मुरली का एक पॉइंट भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठा है। जैसे कि बाबा को पहचानते ही नहीं तो धन के बल से सेंटर नहीं खोला जा सकता है। फिर उससे कमाई होती है कुछ क्यों नहीं कमाई होगी सेंटर खोल के दिया तुम्हारी दुआएं नहीं मिलेंगी उनको है? अभी तक कितना दूर दूर भटकते थे और अब तो चार घंटे का सफर करो और काम पूरा कर लो। वो सेंटर जब खुलता है कारण या कारण अगर बंद होता है तो जो कारण बनता है वो चांडाल भी बनता है कि नहीं है। फिर क्या बात बड़े थे शूटिंग हो जाता है चांडाल बनने का शूटिंग होता है। अगर कोई खोलता है और फिर वापस ले लेता है तो चांडाल नहीं बनेगा चांडाल बन जाएगा। देना और देने के बाद वापस लेना तो चांडाल बनने की शूटिंग हो जाती है। सबसे नीचे थे नीचा पद कौन सा है? है सबसे ऊंचे थे ऊंचा पद है महाराजा बनना राजाओं का भी राजा बनना और सबसे नीचे थे नीचा पद है क्या चांडाल बनना। और बाबा वो धन दान दे करके फिर बाबा से वापस देते हैं तो वो चांडाल बन जाते हैं। और मकान दान दे के जैसे सेंटर खोलिए धन को दान किया तो मकान भी तो धन से ही बनता है बिना धन के मकान थोड़े ही बन जाएगा है। नहीं बनता तो वापस लेने के बाद वो चांडाल की शूटिंग होती है। हाँ जी लेकिन बच्चों के द्वारा बाबा को विकारों की भी दान दिया जाता है फिर वापस लेते हैं तो वो क्या शूटिंग होता है? विकारों का दान देना ये तो ऐसी बात है कि 63 जन्म हम विकारी बनते रहे तो कोई ऐसे ताल ठोक के कह सकता है कि बाबा के आने के बाद हम एक जन्म में ही जैसे ही बाबा को पहचाना वैसे ही हम विकारों को त्याग दिया? नहीं कोई नहीं कहते। तो फिर वो तो एक अलग बात हो गई। फिर वो जो वापस लेते हैं वो चांडाल बनते हैं क्या बनते हैं? नहीं विकारों को छोड़ने की बात धीरे धीरे है ये तुरंत नहीं छोड़ा जा सकता। चाहे नारायण जैसी उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करने वाली आत्मा ही क्यों न हो वो भी विकारों को तुरंत नहीं छोड़ सकती। हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? जमाया जा सकता है नहीं। टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? और बाबा त्यागने में कोई गति से त्यागे कोई धीरे से त्यागे उसे प्रारब्ध में क्या कर्म की गति मिलती है? जो धीरे धीरे त्याग करते हैं उनको धीरे धीरे प्राप्ति होती है वर्षे की। जो धक से त्याग करते हैं उनको धक से वर्षे की प्राप्ति होती है। सोच सोच के त्याग करेंगे सरेंडर होंगे तो भगवान भी सोच सोच के वर्षा देगा और धक से त्याग करेंगे तो धक से वर्षा देगा। और दादा
उन्नीस सौ तिरासी ख्रीष्टी को अंत के मुंडी में आया है। जैसे अरविंद घोष था उनकी महिमा कितनी निकली है? उनकी महिमा कितनी निकली? कितनी निकली? उनद्वारा छोटा मठ मठ स्थापन हुआ। हाँ, वो भागा वहाँ से, वहाँ से भागा अकेला, और फिर आकर के पांडुचेरी में उसने अपना महल जमा दिया, किला बना दिया। अब देखो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना फैल गया। तो बाबा जो मिसाल देते हैं वो हम बच्चों के लिए देते हैं या दुनिया वालों के लिए देते हैं? हम बच्चों के लिए, यानी हम बच्चों में ही अरविंद माने कमल का फूल। कमल के फूल के समान जीवन बिताने वाला पुरुषार्थ में कोई पुरुषार्थी है जो एक स्थान से पुरुषार्थ करते करते भागना पड़ता है, भागता है फिर दूसरी जगह जम जाता है। कहां जम जाता है? पांडुचेरी, पांडवों की चेरी। चेरी माने, चेरी माने दासी। पांडवों की दासी कौन है? है नहीं, वो तो माँ है, द्रौपदी। तो पांडवों की दासी जो द्रौपदी का पार्ट बजाने वाली है, प्रकृति का पार्ट बजाने वाली है, जो नारायण बनेगा या नारायण जैसे जो पांडव होंगे, प्रकृति उनकी दासी बनेगी या नहीं बनेगी? प्रकृति दासी बनेगी। तो पांडुचेरी में निवास करता है। कौन हुई प्रकृति दासी द्रौपदी पांडवों की चेरी? जगदम्बा। ये घोष की उतार। हाँ, घोषणा करता है ना, ज्ञान की घोषणा करता है या नहीं करता है? है, ज्ञान की घोषणा करता है। पहले तो बेचारे को भागना पड़ा, दुनिया ने तिरस्कार किया तब भागना पड़ा या ऐसे ही भागना पड़ा? है, दुनिया ने तिरस्कार किया तो भागना पड़ा। फिर देखो उनका कितना विस्तार हो गया है उनके सेंटर्स का। तो ये मिसाल बाबा ने बच्चों के लिए दिया है, ये मिसाल तुम बच्चों का है। क्या? धीरज धर मनुआ, धीरज धर, धीरज से, धैर्य से बढ़कर के और कोई बड़ा स्टेज नहीं होती है पुरुषार्थी जीवन की। निश्चय पूर्वक चलना चाहिए, तेरे सुख के दिन आवेंगे। क्या? पहले ही ठोकरें खाते खाते हाल डोल हो जावे तो टूट जावेगा कि रह जावेगा? टूट जावेगा। लेकिन धैर्य पूर्वक चलते रहने से आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। निश्चय रहना चाहिए, विश्वासम फलदायकम, निश्चय बुद्धि विजयते। कभी भी निश्चय उखड़ना नहीं चाहिए। ये पुरुषार्थी जीवन का मूल मंत्र है। तो मिसाल दिया अरविंद का, अरविंद माने कमल फूल समान जीवन बिताने वाला। कोई देवताएं हैं जिनको कमल के फूल के ऊपर दिखाया जाता है? दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। और बाबा है? सेवा में एक क्वेश्चन आया, सतयुग में राधा कृष्ण एक ही साथ जन्म होते हैं, माना जमलिया जन्म, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, भाई बहन हो गया, उनका संबंध भाई बहन हो गया, फिर उन भाई बहनों का कैसे कहा जाता है? कैसे? क्या? भाई बहनों को फिर कैसे युगल कहा जाता है?
तुम आत्मा आत्मा भाई भाई बनते हो कि नहीं बनते हो? बोलो, तुम आत्मा आत्मा भाई भाई बनते हो कि नहीं बनते हो? भाई भाई की स्टेज ऊंची या भाई बहन की स्टेज ऊंची? भाई भाई की स्टेज तो बहुत ऊंची। एक बाप के बच्चे हो या अलग अलग बापों के बच्चे हो? एक बाप के बच्चे हो। सतयुग में ये अंतर पड़ जाता है। वहां सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई ही नहीं, वहां आत्मा आत्मा जो 21 जन्म के साथ साथ रहने वाले हैं, 21 जन्म का वर्षा संगम युग में बाप से लेते हैं, वो भाई बहन के रूप में रहते हैं। क्या वहां स्त्री पुरुष का भान रहता नहीं है? लेकिन स्त्री पुरुष होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और बाबा, हाँ बाबा ने कहा है कि अपने में एक सिवाई है तो कोई कोई मन की बातें भी बता देती है। वो है? उसको क्या कहेंगे बाबा? कोई कोई मन की बातें भी बता देती है। कौन क्या कहेंगे? कौन बता देते हैं? सुनने में आते लोग बाबा बता देते हैं। दुनिया वाले लोग जो लोग होते हैं वो मन के अंदर की बातें बता देते हैं। मन सूक्ष्म है या स्थूल है? सूक्ष्म है। और जिनको स्थूल शरीर होता है उनका मन ज्यादा काम करता है कि जो सूक्ष्म शरीर वाले भूत प्रेत होते हैं उनका मन ज्यादा काम करता है? भूत प्रेत का काम करता है। यही अंतर है। उनका मन इतना तीक्ष्ण होता है कि वो किसी में प्रवेश करके उसके मन की बातें पहचान भी लेते हैं। वो सूक्ष्म शरीर धारे आत्माएं सब एक जैसी नहीं होती हैं। कोई बहुत तीखी होती है और कोई कम तीखी होती है। इसलिए तुमने देखा होगा जो मजमा लगाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और किसी में सोल प्रवेश करा देते हैं, है? और फिर उस सोल से पूछते हैं जिसमें प्रवेश कराया, बताओ इसकी जेब में कितने रुपए हैं? तो वो बता देता है इनकी जेब में इतने रुपए हैं, इतने नोट हैं। क्या हम लोग बता सकते हैं? हैं? क्यों क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बने हैं और जो आत्मा प्रवेश कराई गई है उनमें वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, आंखें नहीं है उनको, तो भी वो जेब में जैसे कि प्रवेश करके जान लेते हैं। उससे कोई वो भगवान नहीं हो जाते हैं, अंतर्यामी नहीं हो जाते हैं। वो सिर्फ एक दो चार बातों को बता सकते हैं कि सारी बातें बता सकते हैं? और शिव बाबा हो तो दुनिया की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका गुह्य राज हम बच्चों को न बताता हो। वो भूत प्रेत तो टुच्चा टुच्चा थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं। कहां भूत और कहां भगवान? नहीं बाबा ऐसे तो नहीं लिखा। आप पूछ तो ऐसे ही रहे हो। नहीं बाबा अंदर की बातें कैसे बताते हैं? बता दिया था माना तो जो ब्रह्मा की सुन रहे वो भी बच्चे भी क्या क्या सब लाए उतना मालूम पड़ता है ना। तो ब्रह्मा की जो सुन रहे जो ब्रह्मा है ना उसको तो मालूम पड़ता है ना बच्चे के अंदर क्या क्या सब लाए ना। हाँ जी ब्रह्मा की सोल जो है वो भी नंबर वार आत्माओं में से है या भगवान है? आत्माओं में से है। वो भी तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। और वर्मा की जो सूल को पता नहीं क्या भगवान आपसे सोचे थे हैं? वर्मा की जो सूल है जो गुंजा राज वर्मा की सोल कृष्ण की सोल नहीं है? है या नहीं? ब्रह्मा की सोल कृष्ण वाली सोल है या नहीं है? कृष्ण वाली सोल है। और कृष्ण वाली सोल ने 63 जन्म में शास्त्रों में क्या सुना है? कृष्ण क्या है? भगवान है। तो 63 जन्म की छाप उसकी बुद्धि में बैठी हुई है। क्या कि भगवान कौन है? भगवान का दुनिया में कोई साकार रूप है तो कौन है? कौन है?
कृष्ण है तो वो आपन को भगवान का साकार रूप समझता है। 63 जन्म जो समझता चला आया तो वो एकदम ज्ञान सुनने से बुद्धि में से हट जाएगा। अरे 63 जन्म की हमारे अंदर विकारों की छाप पड़ी हुई है, विकार भोगने की, तो एक जन्म में थोड़ा ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाए तो विकार छूट जाएंगे। छूट जाते हैं? नहीं छूट जाते। तो कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में से ये बात कैसे निकल जाएगी सुनते ही कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? नहीं निकल सकते। वो समझेगा, अरे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है सतयुग वाला, अरे ब्रह्मा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ब्रह्मा में तो भगवान प्रवेश करता है कि नहीं करता है, तो भगवान का साकार रूप ब्रह्मा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ये बात उनकी बुद्धि में से जल्दी निकलती नहीं है। बुद्धि में आता है तो गुलजार दादी से जो अभी वाणी में अगर बोल देंगे भगवान ज्ञान में आ जाता क्या? अगर उनके सोल में इतना बुद्धि में आ जाता है, हाँ, गुलजार दादी द्वारा अभी वाणी में बोल देते भगवान अवतरित हो चुके हैं, हाँ, तो परम कुमारी वाले सब इस ज्ञान में आ जाते। क्यों अव्यक्त वाणी में क्या ये ऐसे बोल बोले नहीं जाते हैं जिससे साबित होता है कि भगवान का पार्ट कहीं अलग चल रहा है? ऐसे ढेर सारे वहां बाकी हैं। अव्यक्त वाणी में ही जितना क्लियर किया हुआ है बाप के पार्ट को, इतना और किसी ने क्लियर नहीं किया है। अव्यक्त वाणी में ढेर के ढेर वाक्य हैं माँ के, माँ ही बाप का परिचय देती है, लेकिन बड़े बच्चे समझते हैं या गोद में खेलने वाले बच्चे समझते हैं? जो बड़े बच्चे हैं वो समझते हैं। यहाँ बैठे हुए बच्चों में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में खेला हो? हैं कोई बच्चे? कोई नहीं है। यहाँ सब बड़े ले बच्चे हैं और बेसिक में ढेर की ढेर दीदी दादियां हैं बैठी हुई जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में खूब खेला है। तो वो बच्चे बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं? वो छोटे बच्चे हैं, एडवांस के बड़े बच्चे हैं। तो बड़े बच्चों की बुद्धि में बैठता है अव्यक्त वाणी, वो भी सुनते हैं और अव्यक्त वाणी एडवांस के बच्चे भी सुनते हैं, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। और हम अव्यक्त वाणी के मौन महावाक्यों को पकड़ लेते हैं जिनमें बाप का पार्ट के बारे में बोला हुआ है। और है शंकर के गले में ही सांप सिंह दिखाया। हाँ, ये सर्प सर्पिणी जो हैं, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं रानियां बनते हैं 63 जन्म, वो 63 जन्म राजा रानी बनने वाले ज्यादा विकार भोगते हैं या प्रजा में रहने वाली आत्माएं ज्यादा विकार भोगती हैं? है, वो राजा बनने वाली आत्माएं ज्यादा विकार भोगती हैं, वो ही आत्माएं यहाँ एडवांस नॉलेज में बैठी हुई हैं। वो एडवांस नॉलेज में जितने बड़े बड़े सर्प सर्पणियां हैं, उतने बड़े बड़े सर्प सर्पणियां दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। वो शंकर के गले में जाके कैसे चिपकती है? तुम किसके गले पड़ गए? तुम कोई और धर्म पिता के पीछे पड़ो ना, है? अरे गले पड़ गए, गले पड़ गए तो उनको संभालना है कि नहीं संभालना है? संभालना पड़ेगा। और जो देखते देखते भगवान बन जाते हैं ना, वो उसके अंदर भी नए स्वर प्रवेश करते हैं क्या? जैसे भगवान नहीं, धनवान बनना कोई संसार में प्रसिद्ध होने की बात नहीं है। ऐसे बहुत हैं जो धनवान नहीं बनते हैं। क्राइस्ट क्या धनवान बन गया था? लेकिन संसार में ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वाली आत्माएं क्राइस्ट को अपना बाप समझ बैठी, लेकिन वो धनवान तो नहीं था।
तो ये कोई बात नहीं होती है। धनवान बनना अलग बात है और बुद्धि में तीखा बनना अलग बात है। ऊपर से आने वाली आत्माएं बुद्धि की सात्विक आत्माएं होती हैं। उनकी सात्विकता के कारण संसार में उनका नाम बाला हो जाता है। जैसे रामदेव, कोई सात्विक आत्मा ने प्रवेश किया तो उनका नाम बाला हो गया। बाकी ऐसे नहीं है कि वो हठयोग की प्रक्रियाएं, कुंभक वगैरह लगाना, प्राणायाम करना, आसन लगाना, उनसे पहले के ऋषि मुनि नहीं जानते थे। उनसे के पहले के ऋषि मुनि ऐसे ढेर के ढेर हुए हैं ना, जो प्राणायाम की प्रक्रिया, आसन की प्रक्रिया बहुत जानते थे, गहराई से जानते थे। ये तो अभी तामसी युग में आके जन्म लिया, वो तो द्वापर युग के सतोप्रधान पीरियड में आए थे। तो ज्यादा ऊंची आत्मा कौन सी हुई? द्वापर युग वाले ज्यादा ऊंचे हो गए। तो ऐसे नहीं है कि स्वामी रामदेव जो है वो ऊंची आत्मा है। और इसमें जो अरविंद घोष हुआ है वो भी ऊपर से नहीं, ऊपर से आने वाली नई आत्मा है, तब अरविंद नाम पड़ा है। पहले तो उनका नाम कोई दूसरा था, विवेकानंद। पहले नाम कुछ और था, बाद में विवेकानंद नाम पड़ा। आचार्य है, आचार्य जनिश भी। बाबा बाबा ने मुझे बताया साधु लोग जाकर के काशी में निवास करते हैं, में सच्चे सच्चे साधु तो तुम बच्चे हो। साधना करने वाले को साधु कहा जाता है, जो इंद्रियों को साधते हैं। क्या? इंद्रियों को साधने वाले उनको कहा जाता है साधु। वो प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो जंगल में रहते हैं। वास्तव में वो साधु नहीं है। जेल में रहे और जेल में से निकलने के बाद कहे हमने 10 वर्ष 20 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया, तो ये हंसी की बात हो गई या सच्ची बात है? ये तो हंसी की बात हो गई। अरे थाली सामने रखी हुई हो और फिर न खाओ और जीवन भर न खाओ, ऐसा अवरुद्ध बना रहे, तो उसको कहेंगे न खाने वाला। तो गृहस्थी में रहना, गृहस्थी से दूर नहीं भागना, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में बातचीत करना और फिर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, ये है इंद्रियों को साधना। उसको कहा जाता है सच्चा साधु। इसलिए तुम बच्चे सच्चे साधु हो या ब्रह्मा कुमारियां सच्चे साधु है? घर गृहस्थ में रहने वाले सच्चे साधु हैं या वो सच्चे साधु हैं जो रंगीन कपड़े सफेद कपड़े पहन लेते हैं और घर गृहस्थ से दूर रहते हैं? कौन इंद्रियों को सच्चे साधने वाले साधु हैं? बाप आकर के हमको सच्चा साधु बनाते हैं, सच्चा प्रवृत्ति मार्ग सिखलाते हैं। बाबा एक तरफ तो बच्चों को तुम सच्चे साधु बताते हैं, है? उसी तरह से तुम बंदर सेना बताते हैं। बंदर सेना थे, अब बंदर सेना नहीं है, मंदिर लायक बन रहे हैं। और बाबा 16108 जो रुद्रमाला बनती है ना माला, माला के दाना बनते हैं, उसमें से जो 16000 जो नंबर है लास्ट नंबर का दाना, जो कीर्तन में अंतर में आकर के वो प्रिंस प्रिंसेस का पद लेती है, वो आत्मा सत्य से दूसरे दूसरे जन्म लेकर के लास्ट में आकर पद पाती है, सीधा परम धाम से लास्ट में आती है। 16108 जो है
वो यहाँ संगम युग में पद पाते हैं या सतयुग त्रेता में पद पाते हैं? बरसा तो उनका पद डिक्लेयर कहाँ होता है? फिर जन्म, जन्म भी 16108 जो हैं, वो जन्म प्रवृत्ति मार्ग का जन्म लेते हैं या निवृत्ति मार्ग का जन्म लेते हैं? माला कहाँ बनती है? तो प्रवृत्ति मार्ग 16108 की जो माला है वो यही बनती है। ये राजधानी की माला है, ये राजधानी के मणके हैं। राजधानी में राजा, रानी, महाराजा, महारानी, उनके राज्य में रहने वाले जो भी ऊंचे ऊंचे तबकेधारी हैं, राज्यधारी हैं, ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स हैं, वो भी कहाँ बनते हैं? यही बनते हैं। फिक्स तो यहाँ होता है, फिक्स यही फिक्स होता है, यही बनते हैं, यहीं से उनको लकब मिलते हैं और यहीं प्रैक्टिकल जीवन में बनते भी हैं। माला माने संगठन कहाँ बनता है? उन प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले 16108 आत्माओं का संगठन यहाँ दिखाई पड़ता है, सारे संसार को दिखाई पड़ता है कि ये राज परिवार की आत्माएं हैं, इनको राजा बनाने वाला भगवान आया हुआ है, सारी दुनिया यहाँ समझेगी। तो इसकी प्रारब्ध तो सभी हाँ, उनमें नीचे ते नीचे पद वाले भी हैं और ऊंचे ते ऊंचे पद वाले भी हैं। हाँ, जितना भगवान को बुलाया वो भगवान निराकार होगा या वो भगवान साकार होगा? साकार रोएगा या निराकार भगवान रोएगा? निराकारी स्टेज में रहने वाला भगवान रोएगा या साकार स्टेज में रहने वाला रोएगा? साकार स्टेज में रहने वाला रोता है, उसे दुख अनुभव होता है। जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है उसको दुख सुख अनुभव होने की बात ही नहीं है। तो बोला है मुरली में तो सच्ची ही बोला होगा या झूठ बोला होगा? है सच्ची बोला, अगर सच नहीं बोला होता तो ये क्यों कहते बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। वो विनाश कराने वाला रौद्र रूपधारी साकार होगा या निराकार होगा? होगा तो साकार। विनाश कराने की बात जो सोचेगा वो कल्याणकारी बात हुई या अकल्याणकारी भी हो गई? थोड़ी है, थोड़ा अकल्याण तो भरा हुआ है। और माने एक धर्म है, एक राज्य, एक कुल की भाषा स्थापन नहीं करनी है, सीखना नहीं है। कोई क्यों चाहे, हम तो कल्याण चाहते, कोई भले अकल्याण चाहे, हम क्या चाहते हैं? हम उसको एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल में लाना चाहते हैं या जियो है जैसा है वैसा ही बना रहे है? एक ही धर्म और एक ही भाषा, हम यही चाहते हैं। तमिलनाडु वालों ने सबसे पहले तमिल भाषा में सारा एडवांस लेटर छपा दिया। तो आज तमिलनाडु की क्या दशा है? हिंदी को और हिंदी भाषा जानने वालों को नफरत की दृष्टि से देखते हैं या प्यार की दृष्टि से देखते हैं? नफरत की दृष्टि से देखते हैं। ये भगवान की भाषा है। बेसिक में मुरली भाषा जो विदेशी जाती है नहीं, अंग्रेजी के लिए बोला है मुरली में। अंग्रेजी तो इंटरनेशनल भाषा है। तुम विदेश में सेवा करने जावेंगे तो अंग्रेजी जानते होंगे तब सेवा कर सकेंगे या बिना जाने सेवा कर सकेंगे? अंग्रेजी तो जानना पड़ेगी। इंटरनेशनल भाषा को भगवान ने भी तरजीह दी है। बाकी ढेर की ढेर भाषाओं में भगवान का लिटरेचर छपा देंगे
तो वो हिंदी भाषा तो नहीं सीखेंगे, और जब सीखेंगे ही नहीं तो भगवान के बच्चे बनेंगे या शैतानों के बच्चे बनेंगे। मातृभाषा होनी चाहिए या दूसरी भाषा होनी चाहिए बच्चों की? मातृभाषा होनी चाहिए। माँ बाप की भाषा बच्चा नहीं जानता है तो माँ बाप का बच्चा कहा जाता है? हाँ, तुम क्या चाहते हो? नहीं चाहता हूँ लेकिन बात करता हूँ। ओम शांति।